हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं इस पेपर के। ये 4 जनवरी का पेपर है जो ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इन अर्ली ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज प्रेफरेबल फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रारंभिक शिक्षा में यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन सी अप्रोच बच्चों के लिए अच्छी है उनकी लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। इमिटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को अनुकरण करें बिना समझे, तो ये तो गलत बात है। अगर बिना समझे करेंगे तो वो हर चीज़ को इमिटेट कर लेंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि क्या गलत है क्या सही है। लर्निंग बाय डूइंग, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। इससे मीनिंगफुल लर्निंग होती है यानी करके सीखना। इसे जॉन डुई ने दिया था, ठीक है, जॉन डुई ने इसे दिया था। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी बच्चा करके सीखेगा। पैसिव लिसनिंग, ये गलत है कि पैसिव लिसनिंग नहीं होता, एक्टिव लिसनिंग होता है, ठीक है। बच्चा पैसिवली सुनेगा, सुस्त हो गए तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, लर्निंग मीनिंगफुल बिल्कुल भी नहीं होगी। रोट मेमोराइजेशन की रट्टा लगवाएं बच्चे को, ये अप्रोच अच्छी होगी, तो ये गलत बात है। प्रारंभिक शिक्षा में सबसे अच्छी जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है, सबसे अच्छी जो अप्रोच होती है वो है लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। बच्चा करके सीखेगा, अपने एनवायरमेंट से सीखेगा, रियल लाइफ से इंटरेक्ट करके सीखेगा, ठीक है, करके सीखना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एसर्शन, पार्टिसिपेशन इन द सोशल लाइफ ऑफ द स्कूल इज सिग्निफिकेंट फॉर लर्निंग टू अकर। रीजन क्या है? लर्निंग इज प्राइमरली अ सोशल एक्टिविटी, यानी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना ये एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस है लर्निंग का, अधिगम का। रीजन क्या है कि लर्निंग इज अ प्राइमरली अ सोशल एक्टिविटी, अधिगम क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ सही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। टीचर कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटीज मीनिंगफुल बाय, एक शिक्षक कक्षा को मीनिंगफुल कैसे बना सकता है, एक्टिविटीज को मीनिंगफुल कैसे बना सकता है, डिवाइडिंग देम इन डिसकनेक्टेड चंक्स। अगर कनेक्टेड चंक में डिवाइड करता तो अच्छा होता कि पार्ट्स में बच्चे अच्छा सीखते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, डिसकनेक्टेड, तो ये गलत बात हुई। हमें तो कनेक्ट करके चलना है, ना कि डिसकनेक्ट करना है। गिविंग एम्बिगियस इंस्ट्रक्शन अबाउट देम, कि कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो ये भी गलत है। प्रेजेंटिंग देम इन डी कंटेक्चुअलाइज मैनर, कि एक्टिविटीज को डी कंटेक्चुअलाइज मैनर में प्रेजेंट कर रहा है तो ये भी गलत है। डी कंटेक्चुअलाइजेशन है, होता है संदर्भ से अलग, बिल्कुल जो क्लास में चल रहा है उससे बिल्कुल अलग, तो ये भी गलत है। सिचुएटिंग देम इन द ऑथेंटिक कंटेंट, ये बिल्कुल ठीक है कि ऑथेंटिक कंटेंट देगा तो लर्निंग मीनिंगफुल होगी, एक्टिविटीज मीनिंगफुल होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ सही है, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस आर डज नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कौन सी शिक्षण शास्त्र, कौन सी पेडागोजिकल अप्रोचेज पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। करिकुलम एडेप्टेशन एज पर नीड्स, कि जिस चीज की जरूरत बच्चे को है उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम को बनाएं, बच्चे की नीड्स को केटर करें, बच्चों की नीड्स को समझें, बच्चों के अकॉर्डिंग करिकुलम हो, यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो, तो ये ऑप्शन अच्छा है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट कराएं बच्चों से, बच्चे एक्सपेरिमेंट करें, तो ये भी ठीक है। इनोवेशन इन करिकुलर प्लानिंग, कि कुछ ना कुछ इनोवेट करें, कुछ नया सीखें, ये भी ठीक है। रिजिड एग्जाम सेंटर टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये बात गलत है। हमें रिजिड एग्जाम स्ट्रेटजीज नहीं फॉलो करनी है, हमें फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। रिजिड यानी बच्चा प्रेशर में टेस्ट दे रहा है, प्रेशर में नंबर लेके आ रहा है, डर से नंबर लेके आ रहा है, तो ये गलत है। टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है, रिजिड नहीं बनाना है, ठीक है। नोट पूछा था, ये भी देखना है कि पूछ क्या रहा है। ऑप्शन नंबर 4, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ, ठीक है, ये हमें फॉलो नहीं करनी है अपने टीचिंग पेडागोजीज में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एसर्शन। देखो ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एसर्शन और रीजन के, ये पहली बार आए हैं सीटेट में, इन्हें भी ध्यान रखना है। अ टीचर शुड कनेक्ट कंटेंट टू बी टॉट विद स्टूडेंट्स डेली लाइफ एक्सपीरियंस। टीचर को क्या करना है, जो टीचर कंटेंट दे रही हैं, जो पढ़ा रही हैं, वो बच्चों की रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से। रीजन क्या है, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंसेस,
दैट टीचर्स नीड टू पे अटेंशन टू। बच्चे जब क्लास में आते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आते हैं अपनी रियल लाइफ से, यानी जो अपने घर से, परिवार से, आस पड़ोस से सीखते हैं, अपने अपने साथ वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो उसी से कनेक्ट करके हमें बच्चों को आगे पढ़ाना है, यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following helps learners evaluate their own learning and check their understanding? इन options में से कौन सा option है जिसके अंदर अपनी ही learning को evaluate करता है कोई भी individual, अपने आप को समझना, खुद को ही evaluate करना, ठीक है, खुद को ही guide करना, क्या कहलाता है? Forgetting यानी भूलना, तो ये तो गलत बात है, ये तो कहीं link ही निकल रहा है इससे। Imitation अनुकरण करना, ये तो दूसरों को देख के सीखना होता है। Rote memorization रट्टा लगाना। थर्ड ऑप्शन है मेटा कॉग्निशन, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें क्या करते हैं हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, अपनी थिंकिंग को, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, क्या होता है मेटा कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, थिंकिंग अबाउट अवर सेल्फ, थिंकिंग अबाउट सेल्फ, ठीक है, अपने आप को इवेल्युएट करना, ठीक है, अपनी लर्निंग को अंडरस्टैंड करना, अपने ही विचारों को समझना और खुद ही उनका आकलन करना, वो क्या कहलाता है मेटा कॉग्निशन, अधिसंज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मिसकंसेप्शन अमंग चिल्ड्रंस आर, जो बच्चों के दिमाग में भ्रांतियां होती हैं उसे हम किस नजरिए से देखते हैं, एबनॉर्मल होती हैं वो, टिपिकल होती हैं, रेयर होती हैं, नेचुरल होती हैं। जो मिसकंसेप्शन होते हैं वो नेचुरल होते हैं। मिसकंसेप्शन क्या होता है, जो गलत कंसेप्ट बच्चे के दिमाग में बन जाता है, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी के दिमाग में बन सकता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि गलत जो भ्रांति है वो किसी के भी दिमाग में बन सकती है अपने एनवायरनमेंट से, अपने सोसाइटी से, तो ये एक नेचुरल चीज़ है, ये सभी के साथ हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, टीचर क्लास में डिस्कस करे और उस मिसकंसेप्शन को ठीक करने की कोशिश करे, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अ स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग लर्न हेल्पलेसनेस इज लाइकली टू, एक बच्चा ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है मतलब उसे असहाय फील हो रहा है, ठीक है, हेल्पलेसनेस फील हो रहा है उसे अपनी लर्निंग में, तो क्या ऑप्शन है, सो एंथुसियाज्म इन लर्निंग, वो एंथुसियाज्म शो करेगा अपने सीखने में, बेहद उत्साह दिखाएगा, जिसे असहाय महसूस हो रहा है वो उत्साह थोड़ी ना दिखाएगा, तो ये तो गलत है। ठीक है, फोकस ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, कि अपनी मास्टरी पे फोकस कर रहा है वो, तो ये भी गलत है, उसे तो बेचारा फील हो रहा है, असहाय फील हो रहा है, हेल्पलेसनेस फील हो रहा है। फोकस ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच गोल, कि अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा, तो ये भी गलत है। विड्रॉ फ्रॉम लर्निंग एक्टिविटीज, ये ठीक है, जो बच्चा असहाय फील कर रहा है वो विड्रॉ कर देगा अपनी लर्निंग एक्टिविटीज से, यानी शिक्षक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, यानी वो बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसके अंदर गलत धारणा भी आ सकती है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा लर्निंग में, अपनी एक्टिविटीज लर्निंग एक्टिविटीज से अलग हो जाएगा, पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा का कौन सा एक एग्जाम्पल है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, कि बच्चा इंटरेस्ट लेके सीख रहा है, कोई भी इंटरेस्ट लेके किसी काम को कर रहे हैं जिसमें उसे महसूस हो रहा है कि ये लर्निंग हो रही है मेरी, उसमें कोई रिवार्ड काम नहीं करता, कोई प्राइज काम नहीं करता, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में अंदर से ही प्रेरणा आती है काम करने की। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, यानी उसकी रुचि है, ये उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है उसके अंदर नई भाषा सीखने का, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ सही है। आगे भी देख लेते हैं, ड्रॉइंग अ पिक्चर टू विन अ कैश प्राइज, कि कैश प्राइज के लिए वो पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, तो ये हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ, बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ ये। ठीक है, क्या है, प्राइज के लिए पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्ट टू विन एन अवार्ड, अवार्ड के लिए, तो ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ कि अवार्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है स्पोर्ट्स में। स्टडिंग टू गेट प्रेज ऑफ पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स से उसे तारीफ मिले इसलिए पढ़ रहा है वो, तो ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का ही एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ सही है, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग,
कौन सा एक पर्यावरण का फैक्टर है जो हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करता है? एटीट्यूड, जो एटीट्यूड है हमारा, तो वो नहीं होगा। मोटिवेशन, मोटिवेशन भी नहीं है। पर्सनैलिटी ट्रेट भी नहीं है। स्कूल हमारा सबसे मेन एनवायरमेंटल फैक्टर है जो हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करता है। स्कूल में हम नई नई चीज़ें सीखते हैं अपने पीयर्स से, एडल्ट से, टीचर से। वहाँ का एनवायरमेंट हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा है सही है, विद्यालय। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।